यहाँ कोई तंग करने वाला, सिर्फ तो और सिर्फ परिंदों के टैं 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 टैं। और जब बच्चे हो ना, बच्चे तो अभी स्कूलों में है ना, वो जब हो ना तो उनके शोर होते हैं, और तेरी ऐसी तेजी, तेरी ऐसी वैसी, बच्चे शोर करते हैं। लेकिन अभी बहुत सुकून है, बच्चे अभी स्कूलों में है, कोई काम पे है, कुछ किधर है। Assalamualaikum, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद जलाल और आप देख रहे हैं मलिक जलाल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। शुक्रिया। तो आज की मजेदार से वीडियो करते हैं जी शुरू। तो जी अभी टाइम हो रहा है, रात के 9:30 बज रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ से निकलने लगा हूँ अपने गाँव की तरफ। तो अभी टैब एक्सप्रेस के अड्डे पे जाके फिर आपसे मिलता हूँ। मेरा जो सामान है वो ऑलरेडी पैक है, मैं भी तैयार हो चुका हूँ। तो ये मेरे दो बैग हैं, ये भी तैयार हैं। तो अड्डे पे पहुँच के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बस के अंदर बैठ चुका हूँ। जो मेरी टिकट थी ना, वो थी रात के 11:30 बजे की, और अभी एक 10 बजे वाली भी बस आई हुई थी। तो मैंने उसके अंदर अपनी सीट को एडजस्ट करा लिया। सीन कुछ इस तरह था कि अभी 10 बजे की जो बस आई थी वो सारी गाड़ी खाली थी। मैंने उनसे बात की, उनकी मैनेजमेंट से, मैंने कहा अगर इसके अंदर सीट एडजस्ट हो सकती है तो मुझे इसी के अंदर सीट एडजस्ट कर दें, ताकि मैं अपना 1.5 घंटा जो है इधर टर्मिनल के अंदर बैठ के ज़ाया ना करता रहूं, क्योंकि मैं निकल ही जाऊँ। तो शुक्र है मेरी सीट उन्होंने एडजस्ट करा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बैठ चुका हूँ। ठंड थी, बारिश भी हुई है रावलपिंडी के अंदर। मैंने बास्केट जो थी मैंने निकाल ली थी, वो भी मैंने पहन ली हुई है। सोने लगा हूँ, जब उठूँगा फिर आपसे मिलता हूँ। 5 hours later. अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम लोग खाने वाले टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वॉइस ओवर क्यों कर रहा हूँ। इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक, मतलब यहाँ पर जो बस टर्मिनल होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, वो आपको वॉइस क्लियरली नहीं सुनेगी। और अब आपको मैं यहाँ का रिव्यू देता हूँ। और इस तरफ खड़ी हुई है ये जो बस है जिस पर हम लोग आए हैं, और ये है जी खाने वाले का टर्मिनल। मैं सो गया था, उठाऊँ तो बस इस टाइम खाने वाले टर्मिनल पर पहुँच चुकी थी। आगे का जो सीन है वो कुछ इस तरह है कि मैं टर्मिनल पे उतरा हूँ, तो साथ ही मुझे मेरे मामू जान लेने के लिए आ गए। तो आगे वीडियो बनाना याद नहीं रहा, तो उन्हीं के साथ मैं बैठ के फिर चल दिए घर की तरफ। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा है, व्यू है गांव का, मतलब खूबसूरत सुबह हुई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोधरा टर्मिनल पर पहुँचे। तो आगे का जो सीन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आगे क्या क्या मैंने उस दिन घर पहुंच के क्या एक्टिविटीज़ की है वो भी आपको मैं बताऊँगा। जी तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाखैर वाफियत अपने घर पहुंच चुका हूँ। गांव के रातें ही नज़ारे होते हैं। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, हमारे घर के बिल्कुल सामने जो है ना मकई लगी हुई है, और बहुत ही सुकून माहौल है। ऐसा माहौल जो है ना सुकून वाला, ये सिर्फ गाँव में ही मिलता है, ना कि शहरों में। इतना सुकून माहौल है कि सिर्फ तो सिर्फ जो शोर है ना, सिर्फ तो सिर्फ परिंदों का है, ना किसी बाइक का, ना किसी गाड़ी का। और ये चेक करें आप, क्या VIP मकाई का माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और आगे आप चेक करेंगे, सारे घास है और ग्रीनरी जो है ना। मैं आपको प्रॉपर जो है ना टूर कराऊंगा अपने गाँव का, अपने गांव की चीज़ों का, ठीक है। ये तो हमारे कुछ अजीज़ो आकार थे, वहाँ पर फोतकी हो गई थी कुछ अर्सा पहले, तो हम लोग उस टाइम मौजूद नहीं थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कुदरतन हम लोग आए हुए थे, तो यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। मजलिस भी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं जो फोत हो गए हैं। बहुत ही नाइस पर्सन थे, दुआ करें अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए और आगे वाला जहान उनका अच्छा फरमाए। जो भी हमारे प्यारे अजीज़ो आकार इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, दुआ करें अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुमा आमीन। A few moments later. हमारे कुछ अजीज़ वकार थे, उनके यहाँ फोतकी हुई थी, तो आज ख़त्म था। वहाँ ख़त्म से होके मैं घर आ गया था, तो आके नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी, हालांकि मैं 24 घंटे से सोया नहीं था। आके सोया हूँ, अभी उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, हाथ धो के कपड़े पहन के, मैंने कहा जरा बाहर का राउंड लगाऊं। आप मौसम चेक करें, बदल ही बदल है, नजर तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन चेक करें मौसम VIP है, ना कोई तंग करने वाला, सिर्फ तो सिर्फ परिंदों के टैं 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 टैं। और जब बच्चे हो ना, बच्चे तो अभी स्कूलों में है ना, वो जब हो ना तो उनके शोर होते हैं, और तेरी ऐसी तेजी, तेरी ऐसी वैसी, बच्चे शोर करते हैं। लेकिन अभी बहुत सुकून है, बच्चे अभी स्कूलों में है, काम पे है, कुछ किधर है। तो अभी मैं ही फ्री हूँ। हाँ जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है मुदस्सर साहब, ठीक हो? खैरियत ही है? मैं रात आपके भाई का नजर है, गला अपना खराब होना शुरू हो गया है, यहाँ इस जगह ना दर्द हो रहा है। तो लगता है कि तबीयत गई आपके भाई की अभी, क्योंकि जब गला खराब होता है ना, नजला जुकाम सब कुछ शुरू हो जाता है। और ये बैठा है हमारे घर का रखवाला डॉगी,
क्या ले ठीक है चैनल सब्सक्राइब किते बे लौड़े अपना काम कर। तो अभी मैं जाने लगा हूँ साथ वाले जो एक शॉप है वहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा एक अच्छा दोस्त बेस्ट फ्रेंड बचपन का उसके पास मैं जा रहा हूँ, उसके पास पहुँच के फिर आपसे मिलता हूँ। अभी उस जगह पहुँचा हूँ, आंधी आ गई है और इमदाद भाई ये वो मेरा बेस्ट फ्रेंड एंड कुलीग्स एंड बरादरान है इमदाद भाई जो के मुझसे काफी ऊंची हाइट पर खड़े और मैं नीचे खड़ा हूँ और इस तरफ जो है ना आप ये पुल चेक कर सकते हैं। आह क्या आंधी आई है और तूफान की वजह से ना मौसम बड़ा खुशगवार बन चुका है, बारिश आ जाए ना तो और भी नए। अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, घर पहुँच गए फिर आते हैं। 5 hours later. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अलविदा और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।